प्रत्येक क्षेत्र में आज चुनौती नहीं है 2022 में, क्योंकि जो विपक्ष है वो विपक्ष की भूमिका में ही नहीं है। और केंद्र राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया था, जो कहा था, वो हम सब ने किया है, और जो बचेगा उसको मैं आगे करूंगा। लेकिन सपा बसपा कांग्रेस के शासन में केवल लूट के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये फ्यूज बल्ब है और यहाँ जलते हुए बल्ब है। तो गांव का विकास करना, गरीब का विकास करना, जिसे आम जनता, जनता जनार्दन और आम लोगों के मन में है कि मोदी है और योगी है, तभी हम लोग सुरक्षित हैं और विकास होगा। क्योंकि ये लोग वंशवाद, परिवारवाद की बात नहीं करते हैं, ये गरीब के कल्याण की बात करते हैं, गरीब के खुशहाली की बात करते हैं। तो वो चरण के जो चुनाव बीते हैं, क्या रुझान आ रहा है बूथ से आपके पास? देखिए, क्या है, जो मतदाता है ना, मतदाता गुणी है। पिछले 15 सालों से और 2017 तक जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, धनतंत्र, लाठी तंत्र, सपा बसपा ने बहुत गुमराह किया राज्य को। इसी कारण राज्य के भी लोग सोच नहीं पाते थे, और एक बार सपा को निपटा देते थे, एक बार बसपा जाती थी, और बसपा निपट जाते तो एक बार सपा आ जाती थी। राज्य के अंदर कोई विकल्प नहीं था। 2017 के बाद विकल्प भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और जनता जनार्दन को पूर्ण विश्वास है कि योगी के नेतृत्व में जो कहा था वो किया, यानी गुंडागर्दी समाप्त होगी, भ्रष्टाचार समाप्त होगी, नियुक्तियों में जातिवाद नहीं चलेगा, योग्यता के आधार पर चलेगा, और गरीबों की सेवा होगी। तो डबल इंजन की सरकार के कारण जो मोदी जी का सपना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उदय, वह मोदी जी के शासन में 7 सालों में जनता जनार्दन ने, दलित, शोषित, वंचित ने विश्वास किया, और वो किया हम सब ने। इसलिए जनता जनार्दन ने मन बना लिया है कि योगी को वोट देना है। मदन जी, आपका एक ट्वीट आया था जो कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। आपने लिखा, जो कहा वो किया, जो बचा है वो करेंगे, धारा 370 राम मंदिर किया, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है? देश के हित में जो भी समस्या होगी उसका समाधान करें, गरीब के खुशहाली के लिए जो बाधा बनेंगे उस बाधा को तोड़ते हुए उस गरीब का विकास करें, चाहे गरीब का पक्का मकान हो, चाहे उसके घर तक पानी पहुंचाने का काम हो, उसके घर तक सड़क देना हो, या उसको रोजगार देना हो। अब प्रत्येक घर को रोजगार देना है या नौकरी देना है, उसका परिवार खुशहाल रहे, उसके परिवार के बच्चे भी संपन्न रहें, खुश रहें और शांति से रहें, और जनसंख्या को, बाकी को भी लेकर जो भी समस्या रहेगी उस समस्या का हम लोग समाधान करें। आप चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी आए? देखिए, यदि समस्या रहेगा, यदि समस्या समाधान, तो उसको जल्दी लाना पड़ेगा, जल्दी लाना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाना ही पड़ेगा, जल्दी लाना पड़ेगा। मतलब, और जो हम कहते हैं वह करते हैं।